कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। कल वाली घी की रेसिपी आप सबने देखी कि नहीं देखी? ना देखी हो तो जरूर देखिएगा। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ काले चने की सब्जी, जो कि बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगी और इतनी टेस्टी बनेगी कि घर वाले कहेंगे नेक्स्ट कब बनाओगे, जल्दी बनाना, बहुत अच्छी लगी थी। बिल्कुल, और बहुत हेल्दी सब्जी है, क्योंकि चने की सब्जी ऑलरेडी बहुत ही हेल्दी होती है और टेस्टी हो जाए तो क्या बात हो। तो रेस्टोरेंट ऑन योर टेबल बाय साथी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं काले चने की सब्जी। मैंने 2 कप काले चने रात में पानी में भिगो के रख दिए थे, सुबह देखा बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं। फिर इसको हम छन्नी से पानी अलग कर लेंगे। जो चने वाला पानी है उसको फेंकिएगा नहीं, पेड़ों में डाल दीजिएगा, क्योंकि पूरी रात चने भीगे थे तो बहुत हेल्दी पानी है। फिर जो चने हमने हटाए थे उसको अच्छे से पानी से धुल लेंगे, जिससे जो चने रात भर क्योंकि भीगे थे तो इसको साफ पानी से एक बार धुल लीजिए। फिर आगे के प्रोसेस में चलते हैं। चने को थोड़ी देर छोड़ देते हैं। 2 प्याज लिया है, थोड़े लहसुन लिए हैं, इन सबको अच्छे से छील छाल के साफ सुथरा कर लेते हैं। तो आज चने की सब्जी क्यों? चना बहुत ही हेल्दी होता है। सबसे अच्छी बात है ये हाई प्रोटीन डाइट है, तो बॉडी को हाई प्रोटीन डाइट की बहुत जरूरत होती है, छोटे बड़े सभी को। और साथ में इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, आयरन होता है, तो कुल मिला के कहा जाए तो ये संतुलित आहार होता है। तो जरूर बनाइए, बहुत हेल्दी सब्जी है ये और टेस्टी भी है। तो लहसुन प्याज मेरा आपसे बात करते करते कट चुका था, इसको चॉपर में ऐड करेंगे। चॉपर बिना मेरी किचन चलती ही नहीं है। और जो लहसुन तैयार किया था, प्याज मिर्चा थोड़े से अदरक, 4-5 लहसुन की कलियां थी और 2 मीडियम प्याज थे, हरी मिर्च के अकॉर्डिंग ऐड किया, 1 जोड़ी अदरक का टुकड़ा, इन सबको अच्छे से चॉप कर लिया। और इसमें मशीन की क्या बात है, फटाफट हो जाता है ये काम। तो देखिए कितना बढ़िया प्याज तैयार हुआ है। फिर लेते हैं कुकर, कुकर में बनाएंगे, बहुत जल्दी बन के तैयार होगी। तो लेंगे लगभग 2 से 3 छोटे चम्मच के बराबर सरसों का तेल। सरसों के तेल से सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। घर में जो भी खड़े मसाले हो उसको इस्तेमाल करिए। और 1 तेजपत्ता ऐड कर दीजिए, 1 लाल मिर्च ऐड करिए, और फिर इसमें जो प्याज हमने अभी तैयार किया है ना उसे ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें पिंक होने तक फ्राई करना है, ये काम करना है। गरम मसालों का कोई टेंशन मत लीजिए, जो भी आपके किचन में हो वही ऐड करिए। ये नहीं कि ये हो तो हम बनाए, ये हो तो ये बनाए, ऐसा कुछ नहीं। जो आपके किचन में गरम मसाले हो खड़े उसे ऐड करिए और फिर बनाइए। तो देखिए प्याज पिंक हो रहा है, जब तक प्याज पिंक हो रहा है तब तक एक छोटा काम और करते हैं। सेम चॉपर लेंगे, उसमें 2 मीडियम लाल टमाटर, लाल टमाटर होगा तो कलर बहुत अच्छा आएगा सब्जी का। इसको भी अच्छे दरदरा पीस लेंगे। मिक्सी में भी सारे काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि चॉपर नहीं है तो क्या करें, मिक्सी में सारे काम कर लीजिए, हाथ से काट लीजिए महीन महीन। तो देखिए टमाटर भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, उधर प्याज भी हमारा पिंकी पिंकी कलर में आने वाला है, थोड़ा सा और चला लेते हैं जिससे प्रॉपर इसमें पिंक कलर आ जाए। प्याज बिल्कुल तैयार हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, लाल नहीं करना है, जो ब्राउन शेड होता है वो नहीं करना है, ये ख्याल रखना है। अब हमें इसमें ऐड करनी है हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है हमने। और फिर इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, जिसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच चना पाउडर मसाला और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जो टमाटर का पेस्ट था तुरंत डाल देंगे, क्योंकि सूखे मसाले डालेंगे कहीं ऐसा ना हो कि जल जाए, तो टमाटर का पेस्ट आप डाल देंगे तो मॉइस्चर आ जाएगा। और फिर इसे अच्छे से हम भूनेंगे, देखना कितना बढ़िया मसाला दिख रहा है। अब इसमें जो चना मसाला हम 1 छोटा चम्मच और ऐड कर देंगे इस समय पे, जब थोड़ा सा मसाला भुन गया तब। और चने मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल करके देखिए। इस तरीके से मसाला भूनेंगे और थोड़ी देर ढक के इसको छोड़ देंगे, जिससे जो मसाले वो अच्छे से जल्दी से भुन जाए। सेम चॉपर में 1 मीडियम आलू को छील के छोटा छोटा पीस करके उसको भी इसी तरीके से दरदरा पीस लीजिए। मिक्सी में भी आप आराम से कर सकते हैं, हाथ से बहुत महीन महीन काट सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आलू डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ किसी कारण से, मगर इतना चॉप करके, इतना बारीक करके, या कद्दूकस भी कर सकते हैं आप, इससे बहुत बढ़िया टेक्सचर आएगा, ग्रेवी में ना थिकनेस आएगी। तो इसी तरीके से बिल्कुल मीडियम साइज का आलू था, बहुत ज्यादा आलू नहीं डालिएगा, सिर्फ 1 मीडियम साइज का, छोटे से थोड़ा सा बड़ा बस।
और बिल्कुल महीन करके ही ऐड करना है, चाहे तो कद्दूकस करके ऐड कर लीजिएगा। इससे जो सब्जी की ग्रेवी है उसमें थिकनेस आ जाएगी। तो बस आलू ऐड करने के बाद हल्का सा भूनेंगे, लगभग 1-1.5 मिनट भून लीजिए अच्छे से, जिससे आलू में भी मसालों का अरोमा या फ्लेवर आ जाए। तो देख रहे हैं मसाला कितना बढ़िया हो रहा है, और बहुत ज्यादा तेल वगैरह भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है, कि बहुत तेलों का तभी मसाला भुनेगा, सब कुछ नहीं होता है। अब हमने आधा छोटा चम्मच जिसमें पुदीना पाउडर ऐड किया है, अगर आपके पास पुदीना पाउडर ना हो तो ताजा पुदीना भी आप हाथ से तोड़ के ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया मसाला तैयार हो गया है। अब हम जो भीगे हुए चने हमने धुल के रखे थे उसे ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। हम नमक पहले नहीं डाल रहे थे, क्योंकि चने की क्वांटिटी के हिसाब से नमक डालूंगी एक बार पहले, फिर बाद में थोड़ा सा डर रहता है ऐसा ना हो कि कम ज्यादा हो जाए। तो जब चने देख लिए कुकर में अच्छे से चला के क्या हिसाब लग रहा है, इसी हिसाब से हम स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर लेंगे, और फिर चनों के साथ मसालों को एक बार थोड़ा सा भून लेंगे, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो लगभग 2 कप में मैंने 1.5-2 गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि हमें पकाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होगी। जब ये पकेगा तो पानी लेगा, और फिर हमें ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए, क्योंकि इसको हम चावल रोटी किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो लगभग 1.5-2 गिलास पानी ऐड किया है, 2 छोटे चम्मच देसी घी समय ऐड किया है, और फिर कुकर के लिड को बंद करेंगे, और 3 सीटी लगाने के बाद 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे पकने देंगे, जब तक हमारे चने गल नहीं जाते हैं। 3 सीटी लगाएंगे तो जो ये प्रोसेस है वो जल्दी होगा चनों के गलने का। तो देखिए 3 सीटी हो चुकी है, 6-7 मिनट लो फ्लेम पे पक चुका है। स्टीम को प्रॉपर रिलीज किया, चेक करेंगे हमारे चने पक गए कि नहीं, अगर ना पके हों तो फिर से गैस मतलब कुकर के लिड को बंद करिए, थोड़ी सी सीटी 2-3 और लगा लीजिए, आराम से पक जाएंगे। मेरे चने तो बिल्कुल परफेक्टली पक चुके थे। थोड़े से चनों को इस तरीके से स्पैटुला से मैश करके मिक्स कर लेंगे, और हमारी ये लाजवाब सब्जी तैयार हो गई है। जब भी किसी को खिलाएंगे ना बड़े खुश हो जाएंगे, हेल्दी टेस्टी यमी सब कुछ है इसमें। धनिया पाउडर ऐड करेंगे और मन चाहे चीजों के साथ एंजॉय करेंगे, चाहे रोटी के साथ चाहिए खाइए, चाहे पराठे के साथ खाइए, चाहे चावल के साथ खाइए, चाहे जीरा राइस के साथ खाइए, जिसके साथ खाएंगे उसके साथ मजा आएगा। कभी कभी तो हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं बिना किसी उसके बोल में लिया चम्मच से एंजॉय किया। तो ये सब्जी आप भी बनाइएगा, बहुत हेल्दी है, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी जरूर शेयर करिएगा। फिर से मिलूंगी एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाकी रेसिपीज भी आप देखते रहिए, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज चैनल में आई हुई हैं। तो फिर से मिलती हूँ, परिवार को खिलाइए। कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यही उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे और नई रेसिपी मैं लाती रहूंगी।